नसेकुर्दिपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते इयं लोकपालः किल मत्सरज्वरा हित्वा यजन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न सेकुर्दिपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते इयं लोकपालः किल मत्सरज्वरा हित्वा यजन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न सेकुर्दिपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते इयं लोकपाला किल मत्सरज्वरा हित्वा यजन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न सेकुर्दिपदश्चतुष्पदा सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते माता जी लोग पढ़ेंगे या जिसको आपको लोकपालः इस ब्रह्मांड के महान नेता जिनमें ब्रह्मा प्रथम हैं किला अन्यों की क्या कहें मत्सर ज्वरः जिन्हें ईर्ष्या का ज्वर चढ़ा हुआ है हित्वा परित्याग करके यतन्तः यत्न करते हुए अपि यद्यपि पृथक अलग से समेत्य सम्मिलित च भी पातुम रक्षा करने में न नहीं सेकुः समर्थ द्विपदः दो पैर वाले चतुष्पदः चार पांव वाले सरीसृपं रेंगने वाले थाणु जड़ या जो भी अत्र इस भौतिक जगत के भीतर दृश्यते दिख पड़ता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का जय श्रील प्रभुपाद की। हे ईश्वर इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। आप समस्त मनुष्यों पशुओं यथा गाय गधा तथा समस्त वनस्पतियों रेंगने वाले जीवों पक्षियों पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र वास्तविक पालक हैं। तात्पर्य
संसारी व्यक्तियों में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करना फैशन बन चुका है। जब नामधारी विज्ञानी अपनी प्रयोगशालाओं में जीव की सृष्टि करने का प्रयास करते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य श्री भगवान की प्रतिभा एवं शक्ति को चुनौती देना होता है। यही माया कहलाती है। यह वैकुंठ लोक में भी व्याप्त है। इंग्लिश का किताब है किसी के पास? इस सेंटेंस को पढ़िए। यही माया कहलाती है। यह वैकुंठ लोक में भी व्याप्त है, जहाँ ब्रह्मा शिव इत्यादि महान देवता वास करते हैं। इस संसार में अपने समस्त प्रयासों के असफल होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से फूला रहता है। जब दिखावे के लिए गरीबों की सहायता करने वाले नामधारी परोपकारियों के पास कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य जाते हैं तो वे कहते हैं कि आप लोग वृथा ही अपना समय नष्ट करते हैं, हम लोग ही असंख्य भूखे जनसमूह का भरण करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश उनके प्रति गिने प्रयास, चाहे व्यष्टि रूप से हो या समष्टि रूप से, किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते। कभी कभी तथाकथित स्वामी लोग दरिद्रों को भोजन देने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं। वे उन्हें दरिद्र नारायण समझते हैं। वे मूल परम नारायण की अपेक्षा कृत्रिम दरिद्र नारायण की सेवा को वरीयता प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि भगवान नारायण की सेवा को बढ़ावा देने की अपेक्षा संसार के भूखे मनुष्यों की सेवा करना श्रेष्ठ है। दुर्भाग्यवश ऐसे भौतिकवादी व्यष्टि रूप से या संयुक्त राष्ट्र के रूप में समष्टि रूप में अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाते। सत्य यह है कि करोड़ों मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों, यही नहीं संपूर्ण जीवात्माओं का भरण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अकेले ही किया जाता है। एको बहु नाम यो विदधातु कामन, एक ही श्री भगवान सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। भगवान नारायण की सत्ता को चुनौती देना असुरों का कार्य है, किंतु कभी कभी माया के वशीभूत होकर सुर अथवा भक्त जन भी किम कर्तव्य मूढ़ होकर अपने को सारे ब्रह्मांड का नियामक घोषित करने लगते हैं। ऐसी घटनाओं का उल्लेख श्रीमद्भागवतम के दसम स्कंध में मिलता है, जहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी और राजा इंद्र को गर्व होता है और अंत में वे श्री कृष्ण द्वारा दंडित होते हैं। क्या है उसमें लिखा है? ओके, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, हायर प्लेनेटरी सिस्टम है, उच्चतर स्वर्गीय लोग। ठीक है। तो यह जो अध्याय है, आप लोग जानते हैं जम्बू द्वीप एक द्वीप है, सप्त द्वीपवती मही, पृथ्वी सात द्वीपों में विभक्त है, उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। जामुन का एक बहुत ग्लोरियस इसमें के पेड़ है, उसी पेड़ के नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप में विभिन्न वर्ष होते हैं, अनेक वर्ष है, जैसे भारतवर्ष एक वर्ष है, तो उसी तरह उसमें से यहाँ पर तो जम्बू द्वीप के जो निवासी हैं भगवान की प्रार्थना कैसे अपने अपने वर्ष में कैसे वो भगवान की आराधना करते हैं,
और किस प्रकार से पूजा करते हैं और भगवान के किस विशिष्ट रूप की पूजा करते हैं, तो यह जो हम लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पढ़ेंगे, इसमें रम्यक दीप एक है, सम्यक रम्यक वर्ष, तो रम्यक वर्ष के लोग वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके नेता हैं, मुख्य व्यक्ति हैं सत्यव्रत महाराज, वैवस्वत मनु, 14 मनु होते हैं तो सातवें मनु हैं जो अभी शासन कर रहे हैं, हम लोगों के जो मनु हैं वो सातवें मनु हैं, उनका सत्यव्रत नाम भी है वैवस्वत मनु, तो उनकी अध्यक्षता में अपने जो रम्यक वर्ष में रहते हैं तो रम्यक वर्ष में मत्स्य देव की आराधना करते हैं। भगवान का एक रूप है, ऐसे यहाँ पर ही भगवान प्रकट रूप से मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे, तो सत्यव्रत महाराज अपने सभी सहयोगियों के साथ जो रम्यक वर्ष के निवासी हैं उनके साथ भगवान मत्स्य देव की, भगवान जो मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ उसकी पूजा करते हैं। जयदेव कवि ने भगवान के 10 विशिष्ट अवतार हैं उसमें उनका जिक्र किया है, जानते हैं ना श्लोक, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश। तो मीन रूप के मछली के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ था उसके वो प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में विशेष रूप से मनु महाराज कहते हैं, इसके जो पूर्व का श्लोक था यही बात वो लोग का प्रार्थना में बताया गया है, भगवान के उस वैशिष्ट का वर्णन किया गया है कि वास्तव में भगवान ही एकमात्र नियामक हैं, इस ब्रह्मांड के कंट्रोलर, नियामक और पालक एकमात्र भगवान हैं। भगवान दूसरी बात है, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा अपने लोगों को नियुक्त करते, पालन कराते हैं, कंट्रोल कराते हैं, लेकिन अंततः यह सारा जगत भगवान के कंट्रोल में है, वो इसको नियमन करते हैं और साथ साथ भगवान इसका पालन करते हैं। तो पूर्व के श्लोक में यथा दारु मयिम नरः स्त्रियम, उदाहरण मनु महाराज देते हैं, दारुमयीम स्त्रियम, दारु मतलब काठ, काठ की पुतली होती है, स्त्रियां होती हैं काठ की, तो उन काठ की स्त्रियां देखे हैं कठपुतली, वो नृत्य करती हैं, आपस में झगड़ा करती हैं, उसको करती हैं, देखे हैं ना कठपुतली, तो उसके पीछे एक सूत्रधार होता है, कुहक होता है, वह सब पूछना चाहता है, कठपुतली का स्वतंत्र कोई एक्शन नहीं हो सकता, पीछे से वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे जो संसार है, सारा विश्व है, ब्रह्मांड है, वह एकमात्र भगवान के कंट्रोल में है। एकल ईश्वर कृष्ण आर्षभ भृत जारे जैसे नाचाएसे तैसे करें, एकमात्र कंट्रोल। यथा दारुमयीम नरः स्त्रियम, दारुमयीम स्त्रियम, दारू मतलब काठ की बनी स्त्रियों को, कठपुतली को कुहक सूत्रधार जैसे नचाता है, ठीक वैसे ही भगवान के नियंत्रण में यह सारा विश्व है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गर्द कस्य। जो संसार है ओन बाई कृष्ण और कंट्रोल्ड बाई कृष्ण, कृष्ण इसके स्वामी हैं, बना दिए, छोड़ नहीं दिए हैं कि तब आप चलाओ, बना कर पूरा पूरा अपने कंट्रोल में रखें, और उसमें एक रिग्रेट दुख व्यक्त मन वैवस्वत मनु महाराज कह रहे हैं, भगवान सभी जगह हैं, सर्वव्यापक हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं, परमात्मा रूप से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और बाहर भी अपनी निर्विशेष
सत्ता के रूप में सभी जगह व्याप्त हैं, अपने सभी ऐश्वर्यों के साथ भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको कोई नहीं जानता है। मनु महाराज का तो हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे भीतर भी परमात्मा रूप से भगवान है, बाहर भी हैं, लेकिन हम लोग भगवान को नहीं देख पाते। और दुनिया की चीज बहुत से हम लोग देखते हैं। एक हिंदी के कवि ने कहा है, जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जान्यो नाही, जिन आँखिन सब देखिए आँखिन देखा जाए। उन्हीं भगवान की कृपा से, उन्हीं की के मन कृपा से हम लोग देखते हैं, आपको देखते हैं, जो कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, हिमालय जाते हैं, क्या क्या दुनिया भर घूम आए हैं, देश देखे हैं, क्या क्या जिनने भगवान ने दिखाया, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य हम उनको नहीं देखते हैं। उदाहरण क्या, कवि कहता है, जिन आँखिन सब देखिए, आप लोग नेत्रों से सब कुछ देखते हैं ना, हाथ से कुछ नहीं देख पाते, नेत्र से सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप नेत्र को नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं ना, वो मिरर में भले देखते हैं, लेकिन आँख की कृपा से, आँख के शक्ति से उसे आप सब कुछ देखते हैं, जो कुछ है परिदृश्य में, सारा जगत में घूम देख लिए, लेकिन आँख को आप नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं ना, अपनी आँख को, दूसरे के आँख को भले आप देख रहे हैं, मेरे आँख को देख रहे हैं, नेत्रों को देख रहे हैं, अपनी आँख को, बेचारा नेत्र क्या कृपा है कि उसी की कृपा से, उसी की शक्ति से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आँख को नहीं देख रहे हैं, नहीं देखते हैं ना, अपने आँख को देख कर प्रयास कीजिए, देख भी नहीं। तो ठीक भगवान की, मनु महाराज कहते हैं कि भगवान सभी जगह हैं और उन्हीं की शक्ति से, उन्होंने हमको इंद्रिय शक्ति दी है कि हम सबको देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनको हम देखते नहीं, समझते नहीं हैं। बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट हो गया है तो भगवान ने उसको बुद्धि दिया है तो उसी बुद्धि के प्रभाव से वो जानता है, लेकिन भगवान को नहीं जानता। तो मनु महाराज कहते हैं, रिग्रेट करते हैं हम लोगों के तरफ से, रम्यक वर्ष के वहाँ के निवासियों के तरफ से, यह कितना भारी दुर्भाग्य है, भगवान को हम सब कुछ जानते हैं, दूसरा न भी जाने तो कोई बात नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण जानने का बात है, भगवान समझने के लिए भगवान है, लेकिन हम उसके विषय में नहीं जानते। तो इस श्लोक में मनु महाराज यह चर्चा करते हैं कि आप पहले कह दिए भगवान ही कंट्रोलर हैं, लेकिन देखा जाता है भगवान ही कैसा है, बड़े बड़े देवता लोग हैं वो भी कंट्रोल करते हैं, देश को राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री कंट्रोल, ऐसे कह सकते हैं कि भगवान कंट्रोल तो करते हैं, प्रत्यक्ष देखा जाता है। यमलोक पाला किलमत सरज्वरा हित्वा यजंतोपि पृथक समेत के सब, बड़े बड़े जो लोकपाल हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, चाहे स्वर्गीय लोक में रहते हैं अथवा पृथ्वी पर, आपको छोड़ देते हैं, हित्वा मैंने छोड़कर, आपसे आपको छोड़कर, भगवान को भूलकर, और यतंतः भी खूब लगे रहते हैं कि विश्व का कल्याण हो जाए, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, प्रजा का पालन बढ़िया से हो, सब लोग शांति से रहें, आपस में झगड़ा न करें, तो लगे हुए हैं कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। कलेक्टिवली के प्रभुपाद जहाँ कहते हैं यूनाइटेड नेशन है, सब लोग पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर संघ बनाए हैं कि लोगों का कल्याण करना है, शांति स्थापित करना है, लोगों का बढ़िया से पालन करता है, लेकिन चूंकि वो हित्वा यतंतः भी भगवान को छोड़ देते हैं, जो मूल पालन करने वाले हैं, जो मूल कंट्रोल करने वाले हैं, उसको तो छोड़ते हैं, अनादर करते हैं, और लग जाते हैं कि हम लोग दुनिया का पालन करेंगे, कंट्रोल करते हैं, तो न सेकु समर्थ नहीं हो पाते हैं। एक दोष का वर्णन करते हैं, प्राकृतिक जगत में जो भी व्यक्ति है एक दोष होता है, ऐसे भी हम पालन नहीं कर सकते हैं, हमारी शक्ति कम है, लेकिन वह दोष से जब हम दूषित हो जाते हैं, हमारी शक्ति और कम हो जाती है। और यहाँ पर
यहाँ को मत्सर ज्वर कहा गया है। जैसे आप कुछ काम करते हैं, आप में शक्ति है करने का है, जब आपको ज्वर हो जाता है तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, काम नहीं करते। तो हम लोगों में प्राकृतिक जगत में एक तो पहला तो है कि भगवान के प्रति ही मत्सर है, ईर्ष्या हम लोग करते हैं। भगवान क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अब प्रयोगशाला में आदमी बनाते हैं, बच्चा सुने है ना, टेस्ट ट्यूब बच्चा, उसमें कुछ ऐसा रज और ब्रिज का संग्रह करके उसमें बच्चा पैदा करने का प्रयास कर, पर वह कोई ज़रूरत नहीं। यार इसे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत पड़ रही है, क्या ज़रूरत है कि आप लोग टेस्ट ट्यूब में बच्चा पर, लेकिन उनका भगवान की अथॉरिटी को चैलेंज करना है। आप में बुद्धि है, हम में बुद्धि है, आप गर्भ में बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं, हम लोग प्रयोगशाला में। तो भगवान के अथॉरिटी को, उनके प्रति हमारा ईर्ष्या है, उनके प्रति। और चलो भगवान के प्रति होता आपस में, लेकिन आपस में भी खूब ईर्ष्या है, मत्सर ज्वर है, ईर्ष्या है, भगवान से तो है ही, आपस में प्रत्येक पड़ोसियों से भी, भाई भाई से झगड़ा है, पिता पुत्र के प्रति, तो ऐसे ही वो पालन नहीं कर सकते। और ये मत्सर ज्वर से जब उनको ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है, तब तो उनकी शक्ति और कम हो जाती है। तो चाहे कलेक्टिवली अथवा इंडिविजुअली, एक साथ मिलकर अथवा अकेले, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनके बस की बात नहीं है। किछु ही रक्षा करते पारे ना, मत्सर ज्वर हो गया है तो अब वो बेचारे कुछ भी नहीं कर, ऐसे तो थोड़ा बहुत कर भी सकते थे, ऐसे हो सकता था कि भाई स्वस्थ हैं तो थोड़ा किसी का आप हेल्प कर सकते हैं, आप खुद ही बीमार हैं, मत्सर मलेरिया हुआ है, यहाँ पर मत्सर कहा गया, ईर्ष्या का ज्वर, चाहो क्या करेंगे, आपको ही कोई दूसरा व्यक्ति टांग कर हॉस्पिटल ले जाएगा उस हाल में आपका। तो यह स्थिति है, तो यह दोष है। तो एकमात्र पालक और कंट्रोलर इस प्राकृतिक जगत के भगवान है। भगवान यदि पालन न करे तो कोई लोग पालन नहीं करते। तो यहाँ पर एक बात आती है, प्रभुपाद जी यह कहते हैं जो मत्सर ज्वर है, दोष है, तो ये असुरों में होता है, आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान के अथॉरिटी को चैलेंज करना, भगवान के प्रति ईर्ष्या करना, इनवियस होना और आपस में ईर्ष्यालु होना, यह असुर का स्वभाव है, अच्छे लोग नहीं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं लेकिन कभी कभी भक्तों में भी यह हो जाता है, भक्त हैं, एकदम भक्ति है, भजन करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि भक्तों में भी ईर्ष्या होती है, भगवान भक्तों में भगवान के प्रति और आपस में भी ईर्ष्या हो जाती, तब और खतरनाक स्थिति हो जाती। प्रभुपाद तात्पर्य में एक बात लिखते हैं कि वहाँ पर वैकुंठ, इसमें हिंदी में अनुवाद कर दिया गया, स्वर्गीय लोग स्वर्ग में रहते हैं, देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनमें भी ईर्ष्या हो जाता है, घमंड मत्सर, इससे ईर्ष्या होती है, मैं बड़ा हूँ। दो उदाहरण दिए हैं, दो लोगों का नाम लिए हैं, अच्छे लोगों भी खराब काम कर बैठते हैं। तो दो बड़े बड़े लोगों, हस्तियों का नाम है, एक का नाम है ब्रह्मा, अवतार के लिए खुद गए थे प्रार्थना करने के लिए, ये लोग प्रार्थना के इंद्र भी थे उस प्रार्थना में, ब्रह्मा जी थे, ये लोग गए थे कि पृथ्वी पर संकट है, आप अवतार लीजिए, गए थे ना, सुने हैं ना, जाकर क्षीर सागर के तट पर प्रार्थना किए सब देवता लोग कि हम लोग का तकलीफ में रक्षा के लिए, तो भगवान आकाशवाणी किए थे, ब्रह्मा जी सुने थे और ब्रह्मा जी ने बता दिया कि भगवान अवतार ले, ब्रह्मा जी बता दें कि आप लोगों का जो दुख है वो भगवान को पहले से विदित है जाग के, और भगवान अवतार लेंगे,
वसुदेव गृहे साक्षात, साक्षात स्वयं भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में अवतार लेंगे। और आप लोग भी, भगवान ने हमको कहा कि आप लोग सभी देवता हों जितने ऊपर, आप लोग भी किसी अंश रूप से अवतार लीजिए भगवान की सेवा करने के लिए। और आप लोगों की स्त्रियों को भी जन्म लेना है पृथ्वी पर ब्रजमंडल में, कि भगवान की जो प्रियाएं हैं, गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनकी सेवा आप लोगों की स्त्रियां करें। और आप लोग भी अवतार लीजिए भिन्न भगवान की सेवा करें। तो ये लोग भगवान अवतार लिए थे इनकी रक्षा करने के लिए। वही इंद्र की देखिए दुर्गति, इंद्र से पहले ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को ही चुरा लिए, इतने भारी अथॉरिटी हैं, आचार्य पर प्रतिष्ठित है सबसे बड़े। और चोरी, अरे चोरी सबसे खराब चोरी, गाय की चोरी, बछड़ों की चोरी। तो ये ब्रह्मा जी, तो प्रभुपा जी कहते हैं ब्रह्मा जी की हालत देखिए, देवता हैं सबसे बड़े आचार्य पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अब चुरा ली भगवान, भगवान के मित्रों को, छोटे छोटे बच्चे थे उनको चुरा लें, गाय बछड़ों को, छोटे छोटे बच्चों को चुरा कर रख। और इंद्र, इंद्र को जानते ही हैं परंपरा से, परजन्य महाराज इंद्र की पूजा चालू किए थे, माने बाबा पिताजी के पिताजी, भगवान के पिता नंद बाबा, नंद बाबा के पिताजी परजन्य महाराज। और प्रत्येक वर्ष तक एक बार इकट्ठा होते थे, जहाँ गोविंद कुंड है गिरिराज जी के तल पर, इंद्र की पूजा होती थी खूब बढ़िया से। वह ब्रजवासियों का वार्षिक उत्सव था, वर्ष में एक बार सब लोग सामूहिक रूप से पूजा करते। परजन्य महाराज जीवन भर पूजा करते रहे इंद्र की। और फिर जब परजन्य महाराज वानप्रस्थ लेने लगे, तो अपना उत्तराधिकार नंद बाबा को सौंपे। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन था परजन्य महाराज का नंद बाबा के लिए कि बेटा इस उत्सव को जरूर मनाना। और नंद बाबा पूरे जीवन भर तक इंद्र गिराज पूजा के पूर्व बड़े मनोयोग पूर्वक, बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से इंद्र की पूजा करते रहे। एक बार, केवल एक बार त्रुटि हुई, पूजा नहीं कर पाए किसी कारण से, नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, अब देखिए इंद्र कितने बड़े भक्त हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। वो तो ब्रज के एक एक लोगों को मार देना है, जितने ब्रजवासी सबको, जितने गाय हैं मार देना है। तो भक्त होकर इतना खराब काम, आप लोग बात जानते हैं, मथुरा में एक बूंद भी नहीं बारिश पड़ी थी, मथुरा में बारिश नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, कंस तो बहुत पापी था, ब्रज में तो कोई पापी नहीं रहता था, लेकिन ब्रज में जो हमको मारना है, कंस को क्यों नहीं मारना है, क्या कारण था कि वहाँ बारिश नहीं, वहाँ बिजली नहीं गिरी एक भी। क्या सद्गुण था उन लोगों में, कंस में एक ही सद्गुण था कि उन लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं की थी, बस। जो लोग किए हैं विपत्ति में पड़ गए, जो नहीं किए हैं वो तो ठीक है। देखिए देवताओं की उपासना करने में यही भारी रिस्क है, बिना समझे लग जाते हैं, नवरात्र व्रत करेंगे ठीक है कीजिए, बहुत अच्छा। यदि कहीं किसी साल बीमार हो गए किसी कारण से नहीं किए, तो खतरा में पड़ जाएंगे। नंद बाबा लोग बड़े पूर्वजों से, कुल परंपरा से पूजा हो रही थी खूब मनोयोग पूर्वक सामूहिक, एक बार नहीं हुई तो वही लोग संकट में पड़े जो पूजा कर रहे थे। दूसरे लोग कुछ संकट नहीं करते थे, नहीं उनको कुछ दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ दो लोगों का नाम लिखे हैं कि ये लोग भगवान से कभी लड़ पड़ते हैं।
प्रार्थना के समय गए थे, उन्हीं की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान आए थे, उन्हीं का हित कर रहे थे। लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर पड़ गया, इंटरेस्ट का हो गया, तो बस समाप्त करें। तो यह दोष इसमें मत्सर ज्वरात, मत्सर ज्वर प्राकृतिक जगत में मनुष्यों में तो होता ही है, देवताओं में भी यह दोष होता है। पातुम न शेकुर दीपतस् चतुर्पद, प्रभुपाद जी कहते हैं तो आए नहीं, प्रभुपाद तात्पर्य शिव जी का इसमें नाम नहीं है ना। तात्पर्य का लास्ट पढ़िए, उदाहरण में दो ही लोगों का, शिव जी का नहीं है, इसलिए हमको और अभी थोड़ा बाकी भी है तो अभी कुछ करना है। इसलिए प्रभुपाद जी एक और भी कहते हैं, भगवान को छोड़कर हमको दुनिया का हेल्प करना है। यहाँ तक साधु महात्मा भी स्पिरिचुअलिस्ट तो हित्वा है ना, हित्वा माने छोड़कर, भगवान को छोड़कर भगवान की पूजा नहीं करनी, तो किसकी पूजा करनी है? दरिद्र नारायण, कितना बढ़िया नाम है। उनकी मान्यता है कि भगवान की पूजा क्या जरूरत है। परोपकार लिखे हैं कि कृष्ण भावना के भक्त लोग कभी कभी जाते हैं, उनके पास लोग आते हैं, भक्तों के पास लोग आते हैं कि आप लोग समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को खिलाए उपकार कीजिए, और आपके तो नारायण तो बोलते चालते नहीं हैं, हम लोगों के नारायण एकदम घूमते फिरते प्रत्यक्ष होते हैं, दरिद्र रूप में उनका अवतार हुआ है, उनकी सेवा की। नोशन बहुत अच्छी है, कोई गलत नहीं है, दरिद्र की सेवा, गरीब की सेवा करना चाहिए, परमात्मा रूप से भगवान सब। लेकिन भगवान को छोड़कर, भगवान से मतलब नहीं है, दरिद्र नारायण, आप लोग पिछले दूसरे दिन पढ़े होंगे तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि लोग बहुत बढ़िया सब दरिद्र नारायण अथवा स्वामी नारायण अथवा वहाँ पर प्रभुपाद जी थोड़ा झुंझला कर मिथ्या नारायण, ऐसे मिथ्या नारायण तो कोई नहीं कहते, आप पढ़े होंगे पिछला, मिथ्या नारायण कहते हैं कि आप लोग जिस नारायण की कृष्ण की पूजा करते हैं वो उससे कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है, आप लोग जुट जाइए हम लोगों के साथ, लोगों के कल्याण में, लोगों का भलाई करना है। दरिद्र नारायण भगवान का यह अवतार हुआ है, और एक नहीं अनेक। प्रभुपाद जी एक जो तात्पर्य में कहें कि बड़ी संस्थाएं हैं लगे हुए हैं, गरीबों को खिलाना है, वो का दरिद्रों को भिक्षुओं का हेल्प करना है, लेकिन भिखमंगों की संख्या घट नहीं रही, पर साल जितनी ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, तो अब उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। भगवान को छोड़कर किसी की सहायता करना चाहते हैं, कर भी नहीं पाते हैं, इसलिए वो असफल होते हैं। न सेकु मतलब कि वे समर्थ नहीं हो पाते, भगवान को छोड़कर। अब लग जाएंगे स्वतंत्र रूप से कोई कंकक्शन करके, वह करना है, लोगों का उपकार करना है, तो उसे होगा नहीं। भगवान के शरण में जाने से, भगवान की भक्ति करने से, तो जो यहाँ के प्राणी हैं दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, कर किया जाता है, भगवान से जो कनेक्ट हो जाएंगे, भगवान का जो विधान है उसके अनुसार, तो हम दूसरों का भलाई कर सकते हैं। ऐसी अब बात कही गई है कि जो दीन दुखी हैं उनके दुख की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, कोई साधु महात्मा कोई दीन दुखी को सहायता नहीं करता है तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण समदृक शांत दीना नाम समुपेक्षक, कोई ब्राह्मण है उच्च स्थिति पर, भक्त है उच्च स्थिति पर बढ़ना, समदृशी समय हो जाती है, लेकिन किसी गरीब की दुख की उपेक्षा करता है, गरीब को देख कोई सहायता नहीं करता है, तो उसका ब्रह्म तेज वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे टूटे हुए मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पात्र है। भिन्न भांड पयो यथा,
भांडी, मराठी में भांडी कहते, भांडी में मेटा में जब मिट्टी के पात्र में पानी रखा गया, उसमें थोड़ा सा क्रेक है तो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट है, साधु है, महात्मा है, किसी गरीब की दीनहीन की दुख को देखता है और दूर करने का प्रयास नहीं करता है, उसकी उपेक्षा करता है, हमें उसे क्या लेना देना है, तो उसका ब्रह्म तेज, उसकी भक्ति, उसकी तपस्या वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे टूटे हुए पात्र में रखा हुआ जल बहकर बाहर हो इम्प्यू है। तो भगवान से जुड़कर गरीब की सेवा जरूर करना चाहिए। वे दुख में हैं, सफर कर रहे हैं, भगवान से वियुक्त होकर, उनके दुख का कारण है कि वो भगवान को भूल गए बेचारे, तो उनको याद दिला देने से उनका दुख दूर, हम उनकी सहायता कर सकते, इस पर सहायता करना भी चाहिए। उनको भगवान कह देने से उनका दुख दूर होगा नहीं, दरिद्र नारायण कहने से लक्ष्मी नारायण नहीं हो गए कि हो चलो अब तो दरिद्र हैं हम तुमको बना देते हैं लक्ष्मी नारायण बनाते, लक्ष्मी जी के पति वो बन नहीं पाते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यही बात कहते हैं कि प्राकृत जगत में के जो लोग ऑरिजिनली, तो सत्यव्रत महाराज कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं कि चूंकि यहाँ के लोग भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हैं, आपस में भी उनकी ईर्ष्या है, इसीलिए कलेक्टिवली अथवा इंडिविजुअली किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि भगवान कंट्रोलर हैं, भगवान रक्षक हैं, हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमारी भी रक्षा हो सकती है, हम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आज चूँकि 9 बजे से पहले तैयारी करना पड़ता है, वो लोगों को पट्टी तो बिछा ही दिए हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, तो यहीं आपसे माफ करते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट बाकी है 9 बजे। बताएगा ना मत्सर ज्वर क्यों हम लोग भगवान के प्रति भी तो एक बीमारी हो गई है, एक रोग हो गया है, मत्सर ज्वर, ज्वर फीवर हो जाता है, ताप से तापित है हम लोग, इसीलिए अभिमान होता है, इसीलिए। तो वहाँ जब भक्तों के उदाहरण में ही उनका रखा गया है, देवताओं का तो है कि जनरल करते हैं, ये जो उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर ब्रह्मा जी का, तो भक्त इनको भक्त कह करके, देखिए भक्त हैं लेकिन इनमें भी भगवान के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाती, ईर्ष्या हो जाती है। क्या है समझ नहीं आया ये प्रश्न। क्या मतलब समझ नहीं आता है हमको, क्या पढ़े हैं। लोकेशन ऑफ हिरण्य वर्ष, लोकेशन ऑफ हिरण्य वर्ष, रम्यक वर्ष, रम्यक वर्ष न कह रहे हैं जो जिस संग, तो उसका लोकेशन कहाँ है, किस जगह पर है। मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ।
क्योंकि अब चांस नहीं मिला जाने का। कभी जाकर यात्रा करके आएंगे तो बताएंगे कि ठीक है। तो क्लास प्रसादम का समय। जय श्रील प्रभुपाद की।